ओम महागणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच अश्वरी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ देखिए आप सबसे विशेष चर्चा करने के लिए। विशेष चर्चा करूँ उससे पहले आपको निवेदन करूँ कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। और मैं तो मेरी चर्चा देखिए क्या है, मैं चर्चा जो कर रहा हूँ थंबनेल में मैंने यहाँ लिखा है मैं बुध 25 जुलाई से सूर्य में आ रहे हैं यानी सिंह राशि में। तो बुध की ये देखिए पांचवी राशि है सिंह राशि। बुध यहाँ आएंगे, बुध कहाँ बैठेंगे, दूसरे भाव में धन भाव में शुक्र मंगल के साथ। शुक्र मंगल पहले से विराजमान है, मैंने लिखा भी है देखो 25 जुलाई से 6 अगस्त तक बुध शुक्र मंगल तीनों एक साथ होंगे यहाँ पे, और 7 अगस्त से 18 अगस्त तक खाली बुध और मंगल रहेंगे क्योंकि शुक्र आगे बढ़ जाएंगे फिर यहाँ पे आ जाएंगे, और 17 अगस्त को यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे। तो उसकी चर्चा में बाद में आगे करूँगा। जब सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य बुध की चर्चा अलग से होगी, शुक्र की और मंगल की चर्चा अलग अलग वीडियो में कर चुके हैं, बना चुके हैं, आप देखिए मिल जाएंगे आपको। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ बुद्ध की। बुद्ध जब 25 जुलाई को यहाँ आएंगे तो आगे तो फिर रहेंगे अक्टूबर तक, तो यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं वो, किस राशि को क्या दे रहे हैं वो चर्चा करते करते देखिए मैं चौथी राशि यानी कर्क राशि पे आ गया हूँ, कैंसर। चौथी राशि कर्क राशि के लिए बुद्ध की अपनी स्थिति, पंचम राशि सूर्य की सिंह राशि कहाँ है धन भाव में है, और बुद्ध की अपनी दोनों राशियां मिथुन राशि बारहवें भाव में और कन्या राशि तीसरे भाव में। तो मित्रों बुध की राशियां जो है दोनों तो अच्छी नहीं बैठी है भाई। बुध राशियों का तो स्थान बारहवा भी अच्छा नहीं है और तीसरा भी अच्छा नहीं है। बुध की अपनी दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे जहाँ शनि बैठे हुए कुंभ राशि में। अष्टम भाव भी बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये है कि गूढ़ विद्याओं का, गुप्त धन का, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, लॉटरी वॉटरी, अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, ये सब का असर पड़ सकता है। तो बुध का धन भाव में बैठना ही कर्क राशि के लिए अच्छा है बहुत ज्यादा, बाकी और सब तो अच्छा नहीं है। केवल कर्क राशि में, कर्क राशि के लिए जो बुध बैठे हुए तो धन भाव में वही अच्छा है। तो अब मैं देखता हूँ डिटेल में थोड़ा जाकर के क्या ये गोचर बुध का कर्क राशि के लिए अच्छा है भाई। अभी तक तो मैंने देखा मिथुन राशि के लिए अच्छा आया था, मिथुन राशि के लिए मैंने बताया था वेरी गुड, और मेष राशि के लिए भी बीच का मध्यम था, बुध के वृषभ के लिए भी अच्छी था, लेकिन मिथुन राशि के लिए थोड़ा अच्छा था, मिथुन राशि का बढ़िया आया था। अब कर्क राशि के लिए मैं देखता हूँ कि बुध जो है देखिए बुध यहाँ बारहवें के स्वामी है, तीसरे के स्वामी अब बैठे हैं दूसरे भाव में। तो बुध की राशियां तो अच्छी नहीं है, लेकिन बुध खुद धन भाव में बैठे हुए हैं, अपनी स्थिति सुधारने में समर्थ है, यानी बुध यहाँ बैठ कर आपका धन भाव में बैठे हैं और तीन तीन ग्रह हैं, यहाँ से शनि की दृष्टि है तो धन भाव में तो आपको कोई ग्रह परेशान नहीं होने देगा, धन तो आपको आएगा आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आर्थिक क्षेत्र में आपको परेशानी नहीं आएगी। देखिए बाकी सब तो मैंने लिखा नहीं है, यहाँ बृहस्पति बैठे होंगे बारह एक मेष राशि बृहस्पति, उन सब की चर्चा अलग है, तो यहाँ अभी चर्चा बुध की कर रहा हूँ। बुध के यहाँ होने से धन भाव में धन तो आएगा ही आएगा और यहाँ से भी आ सकता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन। तो बुध की देखिए कैरियर के क्षेत्र में भी आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, कैरियर के क्षेत्र में यहाँ बृहस्पति होंगे। बस देखिए मैं दिखा देता हूँ मुझे आपको लिख करके, ये जो है 11 यहाँ 12 और यहाँ 1 का मतलब राहु और बृहस्पति, और यहाँ 7 का मतलब केतु, और कोई ग्रह नहीं है कहीं भी। तो यहाँ पर जो है कर्म क्षेत्र में बृहस्पति बैठे हुए हैं, इसलिए लाभ मिल रहा है बृहस्पति की वजह से, तो छोड़ दीजिए हमें तो बुध की वजह से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बुध की तो दृष्टि यहाँ पड़ रही है। और यहाँ ये राशि भी जैसे अच्छी है, ये थोड़ा सा पराक्रम परिश्रम तो कराएगी पराक्रम भाव में, लेकिन यहाँ पे भी लाभ मिलेगा, यात्रा होगी लाभ मिलेगा,
लेकिन बुद्ध का केवल धर्म भाव में बैठना ही काफी है कर्म राशि को बहुत कुछ देने के लिए। तो आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है क्योंकि यह बुद्ध की राशि है परिश्रम भाव में, लेकिन परिणाम मिले जुले ही मिलेंगे। आपको अधिक परिश्रम करने से ज्यादा कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपके विभाग के सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा कोई नहीं करेंगे खास। यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति हैं जरूर, बृहस्पति आपको थोड़ा सा नौकरी दिलाए में कहते कि बृहस्पति की जो है ये राशि जो है बहुत अच्छी नहीं बैठी हुई है तो, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है यहाँ पर तो छठे भाव में यहाँ भी जो है बीमारी का तो सब धन का खर्चा हो रहा है। अब वैसे राहु बृहस्पति अलग अलग हो गए हैं तो उनका चांदाल दोष खत्म हो गया, तो बृहस्पति यहाँ तो लाभ देंगे वो मैं अलग बात बता चुका हूँ। तो अभी बुद्ध की वजह से कोई खास इजाफा नहीं हो रहा आपकी नौकरी में कि बुद्ध ने कुछ कर दिया। बृहस्पति जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, तो बुद्ध नहीं कुछ कर रहे। विदेश व्यापार से संबंधित है उनका लाभ मिलने की पूरी आशा है क्योंकि विदेश ये राशि बुद्ध की है पर, तो ये विदेश व्यापार का घर है, विदेश का घर है, तो यहाँ बुद्ध की राशि होने के कारण, मिथुन राशि होने के कारण विदेश से तो लाभ मिलेगा। विदेश से व्यापार भी होगा, विदेश से नौकरी भी हो सकती है, विदेश से आपको धन मिलेगा। और देखिए मौसमी समस्या तो आ सकती है, आपको दांतों में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, मौसम की बीमारी ठंडक गला आपका हो सकता है, लेकिन वैसे ज्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। बुद्ध की आठवें भाव पर दृष्टि खर्चा कराएगी, यहाँ पर भी खर्चा हो सकता है। शनि भी है तो थोड़ा सा देखो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको गाड़ी चलाने में, जाने आने में थोड़ा सा बच के जिससे कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए उसका ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर आठवीं भाव है, शॉर्ट टर्म गेन तो होगा आपको यहाँ से, लॉटरी से, सट्टे से, जुए से, गड़ा धन, पैतृक संपत्ति वो तो होगा। और आपको देखिए कुछ सुख सुविधाएं और हैप्पी लाइफ के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ सकता है, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ मेहनत पर राशि बैठी है आपकी, तो कर्क राशि वालों के लिए मेहनत बहुत करनी है, लाभ ज़्यादा नहीं मिल रहा, धन तो यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म गेन मिल रहा है, यहाँ से विदेश से भी मिल रहा है। मेन जो है आदमी चिंता करता है धन की, वही पूछता है साहब मेरे बताओ भाग्य कैसा है धन, तो वही भाग्य तुम्हारा इस समय यहाँ पर बृहस्पति की राशि है तो, और बृहस्पति की राशि ये भी है, बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति अच्छे बैठे हैं तो भाग्य में बृहस्पति तो जान डाल रहे हैं, पर बुद्ध के हिसाब से कुछ नहीं है। बुद्ध के हिसाब से जो यहाँ पर नौकरी में बृहस्पति जान डाल रहे हैं, बुद्ध के हिसाब से विदेश से लाभ मिलता है आपको, विदेश की नौकरी मिल सकती है, विदेश की भूमि से लाभ मिल सकता है, विदेश की भूमि से पैसा मिल सकता है, विदेश में आप जो अपना मकान बना कर रह भी सकते हैं, अगर आपको नौकरी हो जाती है तो आप घर बसा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो इस तरह मैं देखता हूँ कर्क राशि के लिए, ये भी गोचर जो है बुद्ध का मध्यम ही है, मतलब न तो बुरा और नहीं बहुत अच्छा, मध्यम मान लीजिए आप, कुछ लाभ है कुछ लाभ नहीं है। धन भाव में बुद्ध का बैठना ही केवल काफी है आपके आर्थिक स्थिति, आपके रोजी रोटी के लिए, अगर बुद्ध यहाँ नहीं होते तो आपका कोई अच्छा नहीं होता। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, नमस्कार।